नमस्कार बच्चों, आपका 12वीं कॉमर्स के विषय व्यवसाय अध्ययन की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, इससे पिछली कक्षा में हमने अध्याय 2 के प्रथम भाग में प्रबंध के सिद्धांतों का अर्थ, प्रकृति एवं महत्व को समझा। आज अध्याय 2 की इस दूसरी कक्षा में हम प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री FW टेलर के द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। आइए बच्चों, सर्वप्रथम हम FW टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की पृष्ठभूमि, इतिहास और उनके योगदान का अध्ययन करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता FW टेलर का जन्म 20 मार्च 1856 में फिलाडेल्फिया, अमेरिका में हुआ था। सन 1878 में इन्होंने अमेरिका की मिडवेल स्टील कंपनी में साधारण प्रशिक्षु के रूप में कार्य प्रारंभ किया तथा 1884 में मात्र 6 वर्ष की अवधि में इसी कंपनी के मुख्य इंजीनियर पद पर पहुंच गए। इस अवधि में उन्होंने कई प्रयोग किए और यह पाया कि एक श्रमिक को जितना काम करना चाहिए वह उससे कम काम करता है। इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने अनेक सुझाव दिए और अंततः प्रबंध को वैज्ञानिक रूप दिया। उन्होंने सन 1903 में शॉप मैनेजमेंट नाम से एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसे काफ़ी सराहना मिली। सन 1911 में द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट शीर्षक से प्रकाशित उनके लेख में साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द ने तो प्रबंध जगत में नई क्रांति को ही जन्म दे दिया। उन्होंने इसमें प्रबंध की रूढ़िवादी विचारधारा को छोड़कर वैज्ञानिक तकनीकों व विचारधाराओं को अपनाने पर बल दिया। आइए उनके वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा को जानते हैं। FW टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या करवाना चाहते हैं और फिर यह देखना कि वे उसे सर्वोत्तम व मितव्ययी ढंग से करें। अतः स्पष्ट है कि वैज्ञानिक प्रबंध प्रत्येक कार्य का बारीकी से अध्ययन करते हुए यह सुनिश्चित करता है कि संस्था के सभी कार्य कुशलतापूर्वक एवं मितव्ययतापूर्ण ढंग से पूर्ण हों। बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं और वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। FW टेलर द्वारा प्रतिपादित प्रबंध की वैज्ञानिक विचारधारा मुख्यतः 4 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत, वैज्ञानिक पद्धति न कि अंगूठा टेक नियम। वैज्ञानिक प्रबंध का यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि हमें लकीर का फकीर बनकर काम करने की पुरानी पद्धतियों को नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि हर समय नए नए प्रयोगों द्वारा नवीनतम पद्धतियों की खोज करके काम को सरल बनाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। दूसरा सिद्धांत, सहयोग न कि टकराव। टेलर के इस सिद्धांत के अनुसार संस्था के अंदर ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए जिससे कि प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हों, न कि मनमुटाव के। यह दोनों के लिए हितकर होगा यदि दोनों एक दूसरे को अपना पूरक समझें। टेलर ने ऐसी अवस्था को मानसिक क्रांति का नाम दिया। उनका विश्वास था यदि दोनों पक्षों में मानसिक क्रांति आ जाए तो उनके सभी झगड़े समाप्त हो जाएंगे, परिणाम स्वरूप दोनों वर्गों को अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। तीसरा सिद्धांत, सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिवाद के स्थान पर श्रम एवं प्रबंध में पूर्ण रूप से सहयोग होना चाहिए। दोनों पक्षों को समझना चाहिए कि दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है कि यदि कर्मचारियों की ओर से कोई रचनात्मक सुझाव आता है तो उस पर प्रबंध को ध्यान देना चाहिए एवं प्रबंध में उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए, और जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाए तब श्रमिकों को भी विश्वास में लेना चाहिए। इसके साथ साथ श्रमिकों को यह भी चाहिए कि वह अनावश्यक हड़ताल, घेराबंदी आदि ना करें और प्रबंध से अनुचित मांग ना करें। टेलर ने सुझाव दिया कि बेहतर यह होगा कि प्रमापों का निर्धारण प्रबंधक व श्रमिक सामूहिक रूप से करें। इससे सबकी भागीदारी बढ़ती है और भागीदारी से जिम्मेदारी और कार्यक्षमता बढ़ती है। चौथा सिद्धांत, प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कुशलता एवं सफलता तक विकास। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता के स्तर पर उसके चयन से ही ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का चयन वैज्ञानिक रीति से होना चाहिए। जो कार्य उसे सौंपा जाता है वह उसकी शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक योग्यताओं के अनुरूप होना चाहिए।
उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए उनको समय समय पर आवश्यक प्रशिक्षण मिलता रहना चाहिए। ऐसा करने से कंपनी और श्रमिक वर्ग दोनों की ही अधिकतम कार्यकुशलता एवं समृद्धि सुनिश्चित होगी। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और FW टेलर के द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों पर चर्चा करते हैं। यह तकनीकें उनके अपने करियर के दौरान किए गए शोध कार्यों पर आधारित हैं। इसमें नंबर एक पर हैं कार्यात्मक फोरमैनशिप। FW टेलर द्वारा प्रतिपादित यह प्रारूप पूरी तरह से विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। क्रियात्मक संगठन में कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके प्रत्येक काम को एक विशेषज्ञ को सौंप दिया जाता है। इस प्रकार विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त किए जाते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि टेलर ने कारखाना प्रबंधक के कार्य को दो उप विभागों अर्थात नियोजन अधिकारी और उत्पादन अधिकारी में विभाजित किया है। दोनों विभागों में चार चार विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। नियोजन विभाग के विशेषज्ञ नियोजन का काम करते हैं और उत्पादन विभाग के विशेषज्ञ उत्पादन कार्य में सहायता करते हैं। नियोजन विभाग में निर्देश कार्ड क्लर्क, कार्यक्रम क्लर्क, समय एवं लागत क्लर्क एवं अनुशासन अधिकारी, जबकि उत्पादन विभाग के अंतर्गत गति नायक, टोली नायक, मरम्मत नायक और निरीक्षक विशेषज्ञ आते हैं। नियोजन अधिकारी के नीचे निर्देश कार्ड क्लर्क श्रमिकों के लिए संकेत कार्ड तैयार करके उन्हें टोली नायकों तथा श्रमिकों को सौंपने का कार्य करता है। इस कार्ड में कार्य की प्रकृति, कार्य को करने की विधि और प्रयोग होने वाली सामग्री तथा मशीनों के बारे में सूचनाएं दी जाती हैं। दूसरे नंबर पर कार्यक्रम क्लर्क यह निश्चित करता है कि किसी विशेष कार्य को पूरा करने का क्रम क्या होगा तथा किस किस मार्ग से होकर कार्य को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके द्वारा यह भी निश्चित किया जाता है कि आज क्या करना है, कहाँ करना है और किसके द्वारा किया जाना है। समय एवं लागत लिपिक यह निश्चित करता है कि एक विशेष कार्य कब प्रारंभ किया जाएगा और कब समाप्त होगा, अर्थात उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। उसके बाद यह भी निश्चित किया जाता है कि उत्पादित वस्तुओं की लागत कितनी आएगी। अनुशासन अधिकारी का काम यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक कार्य व्यवस्थित एवं अनुशासित ढंग से हो रहा है। दूसरी ओर उत्पादन अधिकारी के नीचे गति नायक का काम यह देखना है कि सभी श्रमिक अपना अपना काम निर्धारित गति से कर रहे हैं अथवा नहीं। यदि नहीं तो गति नायक धीमी गति के कारणों को जानकर उनकी समस्याओं का समाधान करता है। दूसरे नंबर पर टोली नायक नियंत्रण के उद्देश्य से श्रमिकों के स्थापित समूह का एक ऐसा प्रतिनिधि होता है जो कि यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिक एवं मशीनें दोनों ही उत्पादन करने की स्थिति में हैं और उनके प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री उनको उपलब्ध करवा दी गई है। तीसरे नंबर पर मरम्मत नायक का कार्य मशीनों एवं औजारों को काम करने योग्य हालत में बनाए रखना होता है। चौथे नंबर पर निरीक्षक उत्पादन की गुणवत्ता का निरीक्षण करता है। वह उत्पादित वस्तुओं की किस्म की जांच करता है और प्रमापित किस्म से मिलान करके अंतर का पता लगाता है। विपरीत अंतर आने पर वह सुधारात्मक कार्यवाही भी करता है। कार्यात्मक फॉरमैनशिप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें विशिष्टीकरण के सिद्धांत का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाता है, जिसमें इन 8 विशेषज्ञों की देखरेख में श्रमिकों से सर्वोत्तम ढंग से कार्य लिया जाता है। नंबर 2, कार्य का प्रमापीकरण एवं सरलीकरण। प्रमापीकरण से अभिप्राय गहन सोच विचार के द्वारा प्रत्येक व्यवसायिक क्रिया के लिए प्रमाप निर्धारित करना है। प्रमापीकरण किसी प्रक्रिया, कच्चे माल, समय, उत्पादन, मशीनरी, कार्य पद्धतियों, विधियों अथवा कार्य शर्तों का हो सकता है। यह वह मानक मापदंड होते हैं जिनका उत्पादन के दौरान पालन किया जाता है। प्रमापीकरण के उद्देश्य कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाना, उत्पादन लागत में कमी लाना, श्रम एवं मशीन के निष्पादन के मानक निर्धारण करना एवं माल की श्रेष्ठता एवं गुणवत्ता को स्थापित करना होते हैं। सरलीकरण में उत्पादन की अनावश्यक अधिकताओं को समाप्त किया जाता है, जिसमें श्रम, मशीन एवं उपकरणों की लागत की बचत होती है। उदाहरण के लिए USA की एक पेपर निर्माता कंपनी ने सरलीकरण तकनीक का अनुसरण करते हुए कागज बनाने की अपनी
2000 किस्मों को घटाकर 200 तक कर दिया था, जिससे उनकी अनावश्यक लागतों में कमी हुई और लाभों में बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई। सरलीकरण के उद्देश्य मशीनों के प्रयोग में मितव्ययता लाना, सामग्री के अपव्यय को रोकना और मानव संसाधन एवं मशीनों के निष्पादन के उचित प्रमाप निर्धारण करना होते हैं। नंबर 3, कार्यपद्धति अध्ययन। कार्यपद्धति अध्ययन में एक विशेष क्रिया को करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि की पहचान की जाती है। इसे अध्ययन करने के लिए प्रक्रिया चार्ट व ऑपरेशन रिसर्च पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इसके अध्ययन का मुख्य उद्देश्य उत्पादन लागतों को कम से कम करके गुणवत्ता व उपभोक्ताओं की संतुष्टि को अधिकतम करना होता है। नंबर 4, गति अध्ययन। बच्चों, इसमें श्रमिकों एवं मशीनों द्वारा काम के दौरान की जाने वाली हरकतों का अध्ययन करके अनावश्यक हरकतों को समाप्त किया जाता है, जिससे कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए, एक श्रमिक अपने कार्य के दौरान औजारों के प्रयोग के लिए बार बार झुकता और उठता है। ऐसा करते समय उसका बहुत सारा उत्पादक समय अनावश्यक मुद्राओं में व्यर्थ हो जाता है। उसके लिए औजारों को अधिक व्यवस्थित ढंग से उपलब्ध करवा देने से उसकी सभी अनावश्यक क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी और वह अधिक कार्यकुशलता के साथ कार्य कर सकेगा। टेलर और उनके सहयोगी फ्रैंक गिलबर्थ ने भी ईंट बनाने की 18 अनावश्यक मुद्राओं को कम करके 5 तक कर दिया था, जिससे श्रमिकों की उत्पादकता में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई थी। नंबर 5, समय अध्ययन। समय अध्ययन से अभिप्राय यह निश्चित करना है कि एक काम को पूरा करने में कितना प्रमापित समय लगना चाहिए। प्रमापित समय का निर्धारण एक ही काम के अनेक अनुभवों एवं प्रयोगों में लगने वाले औसत समय के आधार पर किया जाता है। इस अध्ययन के लिए स्टॉप वॉच का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, बार बार के अवलोकन से यह पाया गया कि कार्डबोर्ड के एक बक्से को तैयार करने के लिए एक कर्मचारी द्वारा लगने वाला मानक समय 20 मिनट है। इसके अनुसार एक घंटे में वह 3 बक्से तैयार कर सकता है। हम यह मानकर चलते हैं कि एक श्रमिक एक दिन में 8 घंटे कार्य करता है, जिसमें से 1 घंटा दोपहर के भोजन एवं आराम का होता है। इस प्रकार से 3 बक्से प्रति घंटे की दर से 7 घंटे कार्य में वह 21 बक्से तैयार कर सकता है। अब यही एक श्रमिक का मानक कार्य माना जाएगा तथा आगे इसी के आधार पर मजदूरी का निर्धारण किया जाएगा। नंबर 6, थकान अध्ययन। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, शारीरिक अथवा मानसिक थकान का सभी के स्वास्थ्य और कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक व्यवसाय के संदर्भ में थकान अध्ययन में यह निर्धारित किया जाता है कि एक कर्मचारी को कितने अंतराल के बाद आराम का समय दिया जाना चाहिए, ताकि वह अपनी पूरी क्षमता के साथ पुनः कार्य में जुट जाए। थकान के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे लंबी कार्यावधि, घटिया कार्य दिशाएँ, अनुपयुक्त काम अथवा बॉस के साथ खराब संबंध। नंबर 7, विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली। F.W. टेलर ने श्रमिकों को अभिप्रेरित करने के उद्देश्य से विभेदात्मक मजदूरी पद्धति को अपनाने का परामर्श दिया। इस पद्धति के अनुसार मजदूरी समय के आधार पर ना देकर कार्य के आधार पर दी जाती है। इसमें उन्होंने मजदूरी की 2 दरों, अर्थात एक ऊंची दर तथा दूसरी नीची दर का प्रयोग किया। जो श्रमिक एक निश्चित समय में प्रमापित इकाइयों का उत्पादन करते, उन्हें ऊंची दर से तथा जो श्रमिक प्रमापित उत्पादन नहीं कर पाते, उन्हें नीची दर से मजदूरी का भुगतान किया जाता है। पिछले उदाहरण की तरह, यदि एक कर्मचारी एक दिन में 21 या अधिक कार्डबोर्ड बक्सों का निर्माण कर देता है, तो उसे ऊंची दर से मजदूरी का भुगतान किया जाएगा तथा इससे कम उत्पादन करने पर उसे नीची दर से मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। ऐसा करने से धीमी गति से कार्य करने वाले श्रमिकों को कार्यकुशलता से कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। नंबर 8, मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति से अभिप्राय प्रबंध वर्ग एवं श्रमिक वर्ग दोनों की मनस्थिति में परिवर्तन करने से है, ताकि वे एक दूसरे के प्रतियोगी के स्थान पर सहयोगी बने। श्रमिकों एवं स्वामियों के बीच तनाव का कारण लाभ का बंटवारा होता है। स्वामी चाहते हैं कि
अधिक लाभ उन्हें प्राप्त हों और श्रमिक चाहते हैं कि लाभों में अधिक हिस्सा उन्हें मिलना चाहिए। यहीं से मानसिक क्रांति की आवश्यकता का जन्म होता है। F.W. टेलर का कहना है कि दोनों को लाभों में बंटवारे की अपेक्षा लाभों में वृद्धि की बात सोचनी चाहिए। इस प्रकार की मानसिक क्रांति जो कि दोनों के आपसी सहयोग से पैदा होगी वह दोनों के लिए ही बेहद लाभकारी सिद्ध होगी। तो बच्चों, इस प्रकार आज आपने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों एवं तकनीकों को विस्तार से जाना। आइए आज की कक्षा से प्राप्त जानकारी के आधार पर कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। F.W. टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को किस नाम से जाना जाता है? 1. प्रशासकीय प्रबंध के सिद्धांत। 2. प्रबंध के सामान्य सिद्धांत। 3. वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। 4. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है 3. वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। इनमें से वैज्ञानिक प्रबंध की किस तकनीक में विशिष्टीकरण के सिद्धांत का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है? 1. गति अध्ययन। 2. कार्यात्मक फॉरमैनशिप। 3. कार्य का प्रमापीकरण। 4. थकान अध्ययन। सही उत्तर है कार्यात्मक फॉरमैनशिप। वैज्ञानिक प्रबंध की कार्यात्मक फॉरमैनशिप तकनीक में 8 विशेषज्ञों की सहायता से विशिष्टीकरण के सिद्धांत का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। F.W. टेलर द्वारा इनमें से किस को प्रमापित करने की बात कही गई है? 1. माल। 2. मशीन एवं औजार। 3. विधियां। 4. उपरोक्त सभी। जी हाँ, सही उत्तर है 4. उपरोक्त सभी। F.W. टेलर द्वारा माल, मशीन एवं औजारों, उत्पादन विधियों, समय व कार्य पद्धतियों को प्रमापित करने की बात कही गई है। वैज्ञानिक प्रबंध इनमें से कौन सा मुख्य परिवर्तन लाता है? 1. आर्थिक परिवर्तन। 2. मानसिक परिवर्तन। 3. उत्पादन परिवर्तन। 4. फैशन परिवर्तन। सही जवाब है 2. मानसिक परिवर्तन। वैज्ञानिक प्रबंध मुख्य रूप से कर्मचारियों व प्रबंधकों के मध्य मानसिक क्रांति के रूप में परिवर्तन लाता है। कार्य के दौरान श्रमिकों के द्वारा की जाने वाली अनावश्यक हरकतों को समाप्त करने का कार्य किस अध्ययन के द्वारा किया जाता है? 1. समय अध्ययन। 2. गति अध्ययन। 3. थकान अध्ययन। 4. कार्य पद्धति अध्ययन। सही जवाब है 2. गति अध्ययन। इनमें से कौन सा एक वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? 1. वैज्ञानिक पद्धति न कि अंगूठा टेक नियम। 2. सहयोग ना कि टकराव। 3. सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। 4. कार्यात्मक फॉरमैनशिप। जी हाँ, सही जवाब है 4. कार्यात्मक फॉरमैनशिप। क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों में कार्यात्मक फॉरमैनशिप नहीं आता। कार्यात्मक फॉरमैनशिप वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों में आता है। टेलर के द्वारा स्टॉपवॉच का प्रयोग किस प्रकार के अध्ययन के लिए किया गया? 1. कार्य पद्धति अध्ययन। 2. थकान अध्ययन। 3. समय अध्ययन। 4. गति अध्ययन। सही जवाब है 3. समय अध्ययन। टेलर ने समय अध्ययन के लिए स्टॉपवॉच का प्रयोग किया। टेलर की विभेदात्मक मजदूरी पद्धति मजदूरी के भुगतान का आधार किसे मानते हैं? 1. प्रमापित इकाइयों के उत्पादन को। 2. कार्य पर लगाए गए समय को। 3. वर्षों के अनुभव को। और 4. उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, सही जवाब है प्रमापित इकाइयों के उत्पादन को। टेलर की विभेदात्मक मजदूरी पद्धति में प्रमापित इकाइयों के उत्पादन को
मजदूरी भुगतान का आधार माना गया है। प्यारे बच्चों, आज हमने F.W. टेलर के द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों एवं तकनीकों का विस्तार से अध्ययन किया। अध्याय 2 की तीसरी कक्षा में हम प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री हेनरी फ्योल के द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।